हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। और अगर आपको नहीं पता कि काउंसलिंग का क्या फायदा होगा तो वो भी बताऊंगा, और सबसे बड़ा नुकसान भी बताऊंगा। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम पहले किसी कॉलेज में एडमिशन कराते थे तो वो अगर प्राइवेट होता तो हम उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले लेते थे। तो उसमें क्या होता था, डायरेक्ट एडमिशन लेके हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर सकते थे और सारे काम होते थे, स्कॉलरशिप लगभग आ भी जाती थी। लेकिन इस बार से क्या हुआ, 2021 से क्या हुआ है कि जो बच्चे बिना काउंसलिंग के एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि आप मैनेजमेंट कोटा या जैसे भी करके आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो क्या होगा कि आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में जो जनरल वाले हैं मेन उनके लिए कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि स्कॉलरशिप के फॉर्म में एक आपका एक रिक्वायरमेंट रख दी कि अब आपको काउंसलिंग वाले बच्चे ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर मान लीजिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अच्छे बना हुआ है, मतलब कि एक अंडर बना हुआ है कि इतने हजार, 1-2 लाख से कम वाला बना हुआ है और आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपके पास EWS सर्टिफिकेट भी है, सारे काम है, लेकिन आपने काउंसलिंग नहीं कराई। तो कुछ बच्चे होते हैं कि भाई जैसे एक केस में हुआ था कि उसने एंट्रेंस एग्जाम दे रखा था, मेरिट वेरिट सब उसकी सही थी, लेकिन उसने काउंसलिंग नहीं कराई, जल्दी एडमिशन ले लिया क्योंकि जो अब की बार जो काउंसलिंग हो रही थी वो थोड़ा लेट हो रही थी, तो कुछ काउंसलिंग रद्द भी हो गई थी, तो कुछ पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो उनकी वजह से कुछ बच्चे डर गए और उन्होंने कहीं कहीं एडमिशन ले लिया, क्योंकि फिर सीट भी दिक्कत करती है कि सीट बचती है या नहीं बचती है। तो अब क्या हुआ कि उन बच्चों का मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा गया। तो अब जैसे कि 1 महीना डेट बढ़ी है तो उनके पास अब ऑप्शन है कि भाई आप अपना काउंसलिंग दोबारा कंटिन्यू करें और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन वगैरह इंस्टीट्यूट में करा के अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बात रही कि सबसे जरूरी चीज है कि काउंसलिंग के बाद आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, और काउंसलिंग कराना अच्छा भी है। अच्छा क्यों है, क्योंकि अभी जैसे जैसे धीरे धीरे पता लग रहा है कि अगले साल या उससे अगले साल से आपका जो इंजीनियरिंग में जो आपका एडमिशन होगा वो आपके जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दे रखे होंगे सिर्फ उन्हीं का होगा। जैसे कि इस बार किसी को पता भी नहीं था और अचानक से ही खबर मिली कि भाई जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उन्हीं बच्चों का आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। तो इससे बहुत लाखों बच्चों का नुकसान हुआ, क्योंकि अब ना तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए अब आप ना तो कोई एंट्रेंस एग्जाम दोबारा दे सकते हो क्योंकि आपका टाइम निकल गया, आपने एडमिशन पहले से ही ले लिया। तो अब जिस भी इंस्टीट्यूट में आप मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं 4 साल की, तो अब आप 4 साल तक कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका मतलब अगर मान लीजिए 25,000 भी आपकी मिनिमम से मिनिमम आपकी 5,000 भी अगर स्कॉलरशिप आती है तो 4 साल में आपका 20,000 का नुकसान तो ऐसे ही हो लिया। तो जिन बच्चों को फाइनेंशियल दिक्कत होती है तो उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। तो जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई है वे अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर चुके हैं जनरल वाले, और काउंसलिंग कराना अच्छा है क्योंकि उससे आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा और एक सीट भी आपको, जैसे कि पता ही होगा कि जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो फीस वेवर सीट के नाम से एक सीट आती है, उसके लिए भी मतलब थोड़ा आप ट्राई कर सकते हैं, तो वो भी आराम से मिल जाती है थोड़ी बहुत अगर पढ़ाई ठीक से कर लें। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई काउंसलिंग का क्या होगा कि काउंसलिंग आपकी 6 राउंड में होती है। मतलब दोस्तों जैसा कि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा कि काउंसलिंग होती क्या है, तो मैं बता दूं कि काउंसलिंग वो होती है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे आप बीटेक के लिए जेई मेन्स UPSET का एग्जाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हैं उसके बाद आपका जो आपके क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपके ने जो क्वेश्चन किए उसके हिसाब से आपकी एक रैंक आती है। मान लीजिए आपकी रैंक कुछ भी 4,000 5,000 कुछ भी आई, उस रैंक के हिसाब से आपका एक एक तरीके से एक मेरिट लगती है जो कि आपकी एक काउंसलिंग के बाद ही पता लगती है। जैसे कि काउंसलिंग कराई, काउंसलिंग कराने में ये होता है कि कुछ लिस्ट बन जाती है कि कितने बच्चों की कितने मार्क्स आए हैं, उनके हिसाब से उनकी कितनी रैंक है, उस रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सबका सबकी कट ऑफ फिक्स होती है, घटती बढ़ती रहती है हर साल, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसके हिसाब से एक काउंसलिंग एक लिस्ट है जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपका रैंक कितनी है और रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा। तो उसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करें तो आप प्राइवेट तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर दोस्तों हम बड़े की तैयारी करेंगे तो छोटे निकालने आसान हो जाते हैं। तो
काउंसलिंग के लिए अपना, जब जो बच्चे जेईई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो अपना मतलब आप 11th या 10th से ही आप इन चीज की तैयारी कर दें, क्योंकि छोटे शहरों में बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता कि कौन सा फॉर्म कब निकलता है और कब उसकी लास्ट डेट होती है, कब आपका काउंसलिंग होती है। दोस्तों जैसा कि सभी को पता ही होगा, और ये बात मानने की भी है कि छोटे शहरों में आपको नहीं पता लगता कि आपके कौन से फॉर्म निकल रहे हैं, कब उनकी लास्ट डेट होगी, कैसे काउंसलिंग होती है, क्या काउंसलिंग होती है, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना भी नहीं आता। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप भाई अपना समय के साथ अपडेट रहें, और जो अपने सीनियर हैं उनसे सलाह लेते रहें। यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स को मतलब सब्सक्राइब करके रखें जिनसे आपको पहले से ही फायदा मिलता रहा हो, तो आपसे मतलब आप उनसे जुड़े रहेंगे तो आपको धीरे धीरे पल पल की जानकारी मिलती रहेगी, और टाइम टू टाइम आपको अपने अंदर कुछ अपग्रेड करना पड़ता है। क्योंकि अब जैसे कि आप अब 10th 12th में होंगे, तो आपको सुनने में आया होगा कि बीटेक करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, इंजीनियरिंग करेंगे तो वो होगा वो होगा। फिर जब आप डिप्लोमा या बीटेक करेंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि डिप्लोमा के बेस पे या फिर आपके बीटेक के बेस पे, सिर्फ बीटेक के बेस पे आपको नौकरी नहीं मिल सकती अच्छी, क्योंकि उसके साथ भी हमें कुछ एक्सटर्नल कोर्स करने होते हैं या फिर एक्स्ट्रा या एडिशनल कोर्स करने होते हैं। तो उसके फिर मतलब धीरे धीरे आपको पता लगता रहता है कि भाई अगर आपको इस अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको उसके साथ बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब आपको तैयार शुरू से ही करना पड़ेगा, कि अपनी तैयारी शुरू से ही करके चलें कि भाई किस तरीके से आपको किस फील्ड में जाना है, वहाँ क्या क्या कोर्स हो सकते हैं, और कॉम्पिटिशन का लेवल अपने आप ही सेट कर लें। कि अगर आपके पास मल्टी टैलेंटेड या फिर कह सकते हैं कि आप बहुत सी फील्ड की जानकारी रखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ मैकेनिकल के बच्चे हैं और आपको थोड़ी बहुत भी सॉफ्टवेयर की या पाइथन वगैरह की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। और जैसे एक आपका सी है और बेसिक में आपका पाइथन है थोड़ा बहुत, और आपका जो मतलब कि प्रोफेशनल कोर्स है वो उसमें तो आपका ऑटोकैड वगैरह आ ही जाता है मैकेनिकल के अंदर, तो इन सब चीज़ों को मतलब शुरू से ही महत्व देना शुरू कर दें। क्योंकि बाद में फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पीसीबी ऑपरेट नहीं करना आता, तो बाद में भाई दिक्कत होती है। तो काउंसलिंग का ये है कि काउंसलिंग अपना जब आप मतलब एक सरकारी रिजल्ट के नाम से वेबसाइट आती है, उस पर हर चीज का आपको अपडेट मिलता रहता है टाइम टाइम पे, और वो आप ध्यान रखें। और सरकारी जो नौकरी होती है वे आपकी उसी वेबसाइट पे आएंगी, जितने भी आपके एडमिशन होंगे सारे वहीं आएंगे। तो अपना 11th 12th से इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना शुरू करें। और भाई अगर आपने मतलब आपको अपने ऊपर है कि भाई मैं नहीं निकाल सकता कोई एंट्रेंस एग्जाम, या फिर पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो भाई ये सेकेंडरी चीज़ है। आप सबसे पहले क्या करें कि आप फॉर्म भरें और आप एंट्रेंस एग्जाम दे दें। उसके बाद जब आपको पता है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर आपके आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो क्या करें, नहीं आए तो आप क्या करें कि प्राइवेट भी जिस भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे, आपको क्या करना है कि आपको वहां काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग में जब काउंसलिंग करवाएंगे तो वो आपका नाम पूछेगा, चॉइस फिलिंग के नाम से एक ऑप्शन आता है, तो उसमें आपका वो कॉलेज का नाम पूछेगा कौन से कॉलेज के में आपको काउंसलिंग करानी है। तो आप जिस भी कॉलेज में आपके आसपास का कोई कॉलेज हो, 2-3 कॉलेज के नाम डाल दें, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको काउंसलिंग में एक दो कॉलेज मिल जाएगा आसपास के, जो छोटे शहर होते हैं उनमें शायद मिल जाए। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका जो जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मतलब यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट, और उसके बाद क्या होगा कि जो जनरल वाले हैं वे काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग के बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और काउंसलिंग करवा के आदमी को अपना लेवल पता लग जाता है। जब आप 12th करके जाते हैं तो आप मतलब कि अगर आप 12th में टॉपर भी रहे हैं तो आपको अपना ये रहेगा कि भाई आप 12th में टॉपर हैं, तो आपने बहुत कुछ कर दिया हो, या फिर थोड़ा अब मतलब आदमी बहुत कुछ जो ले लेता है कि भाई मैं बहुत ऊपर हूँ। लेकिन जब वो एंट्रेंस एग्जाम में बैठता है, उसकी मतलब मेरिट वेरिट लगती है, रैंक वैंक बनती है, तो फिर उसे पता लगता है भाई लेवल कुछ नहीं है तेरा, फिर दोबारा से आपको तैयारी करनी पड़ती है हर चीज़ की। बहुत से बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए कई कई साल की तैयारी करते हैं, उसके बाद आप क्वालिफाई करने के बाद फिर आप जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको पहले तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप फिर एडवांस में जा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती। तो समय के साथ मतलब थोड़ा अपडेट रहना जरूरी है। बच्चे 11th 12th अच्छे से कर लेते हैं, वो मतलब एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छी रैंक बना लेते हैं, क्योंकि बीटेक के आपके शुरू के 2 साल लगभग कह सकते हैं कि आपका सारा 11th 12th का ही सिस्टम है। मतलब कि जो आपके
जैसा मेरे पास सेकंड ईयर में मैकेनिकल के अंदर एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उसमें आपका पूरा फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, डायोड वगैरह पूरे भरे पड़े हैं। लेकिन बस कहना ही फर्क इतना है कि जो ट्वेल्थ है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज देते हैं हर चीज की, करंट किस तरीके से फ्लो होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इन सब चीजों का देते हैं। लेकिन जो बीटेक के अंदर है उसमें थोड़ा उसी का मतलब उसी के बेस के आधार पे आपको थोड़ा सा अपग्रेड यानी कि एडवांस रूप पढ़ाते हैं, बस फर्क इतना है। और एक दो चीज जैसे कि पहले हम पॉइंट इफेक्ट पढ़ते थे, अब लाइन भी पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी अगर बेसिक पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगा था कि भाई ये न्यूज़ आपको बतानी चाहिए, ये जानकारी आपके लिए अच्छी रहेगी, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर दी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।